तो सबसे पहले बाबा जी बताए कि गाय कैसन भी आई? ठीक भैया। दूहे में? ठीक भैया। दूध करे में? ठीक भैया। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारी गाय अभी खाटा हमारा भाती ले रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इन्हीं सबको हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर रोहतासी भाई चैनल पर। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों मैं बता दूं कि ये मेरा ब्लॉग वीडियो है और आज से मैं कंटिन्यू ब्लॉग वीडियो करूंगा। शॉर्ट में भी ये डालूंगा कि मैं क्या काम करता हूं क्या नहीं करता हूं, जो कि मैं यहां पर एक गाय लाया हूं जो कि आप देख सकते हैं। और इस गाय को मैं कैसे लाया हूँ, कितने परचेज कर रहा हूँ, कितना इसका दूध है, क्या इसका क्वालिटी है, क्या इसका बच्चा है। सो दोस्तों मैं इस वीडियो में सारी जानकारी देने और आज की इस वीडियो में अपने ब्लॉग को शेयर करूँगा। ऐसे तो मेरे बहुत सारे काम हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे तो जो काम है मैं उन काम को इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी आप मैं आपको शुरुआत करता हूँ। सो दोस्तों मैं जैसा कि बता दूँ आप सभी को कि मैं जो बोला हूँ गाय, जो ये गाय लाया हूँ, इस गाय की खासियत दोस्तों ये है कि ये पहले ब्याह में फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन में है और ये गाय जो है डबल बच्चा दी है, ठीक है दोस्तों। ये गाय डबल बच्चा दी है और डबल बच्चा देने के साथ साथ दोस्तों इसका दूध भी अच्छा है, फैट भी अच्छा आता है और उस दूध को मैं अपने कुछ खाने के लिए भी रखता हूँ और अपने डेयरी में भी देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका कॉल्फ है, देखिए, ठीक है। तो यही दोस्तों बात है, ठीक है। और इस गाय का जो मैं बता दूँ कि ये गाय मुझे मेरे ससुर जी ने दिया है, ठीक है, जैसा कि आपको लोग पता नहीं हो। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारी गाय अभी खा रही है, उसको हमने चारा गोता हुआ है और इसका ये जुगाड़ किया है और हमने आज ही ये मैट लगाया है, जो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमने ये मैट लगाया है इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत है और इस बहुत हैवी क्वालिटी का मैट लाया है और इसका चारों ओर से, ताकि ये छोटा सा ही डेयरी फार्म है हमारा, अभी वन गाय से स्टार्ट किए हैं, देखते हैं क्या आगे होता है क्या नहीं होता है। बट दोस्तों जो भी है इसमें लगन है, मस्त है, अच्छा खासा इनकम हो जाएगा हमारा एक गाय से। तो अभी रिसर्च कर रहे हैं हम और जैसे जैसे रिसर्च हमारा पूरा होता है दोस्तों, तो वैसे वैसे मैं आपको अपनी जानकारी को शेयर कर सकता हूँ कि आप डेयरी फार्म कैसे कर सकते हैं और डेयरी फार्म कैसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारी गाय जो खा रही है इसको खा लेते हैं, बाकी हम और काम करते हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। अभी जो ये सब देख रहे हैं किनवाई, इन्हीं सबको मेरे को पानी देना है, ठीक है दोस्तों, इसको पटवन करना। और हमारा टमाटर जो है, टमाटर हमारा भाती ले रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इन्हीं सबको पटवन करता, चलिए पाइप को फिट करते हैं और इसको पटवाते हैं। सो दोस्तों अभी हमारे सब जो भी हैं वो सब पटाई हम कर रहे हैं। अभी आप वहाँ पर देख सकते हैं पाइप लगा चुके हैं और वहाँ पर अभी टमाटर, लहसुन, ये भी लहसुन है, वो भी लहसुन है, उधर भंटा है, ये मूली है, ये लोग सब साग उग है, ठीक है। यहाँ पर ये पालक है जो कि अभी इसमें पानी चल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये धनिया है, उधर मिर्च है। तो इस टाइप से अभी इन सभी को हम पटाई कर रहे हैं और पटाई करने के बाद फिर इसके बाद हम अपनी मिल्क जो कि गाय है हमारी उसकी दुहाई करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देते रहिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। और भी कुछ दिखाने वाले हैं आपको, वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग है, देखते रहिएगा। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं इस वाले लहसुन में कर दिया हूँ और फिर इसके बाद मैं भंटा को पटाऊँगा और अभी देरी है कुछ मिल्किंग हम लोग को करने में अपने गाय को, तब तक ब्लॉग में रहिए। और यही नहीं दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को कि डेयरी में अच्छा मुनाफा है, मैं एक गाय से अच्छा बचत कर लूँगा महीने का। अभी मेरे को इस गाय को लाए हुए, मैं 14 तारीख को लाया था इस गाय को, मतलब 14 नवंबर को मैं इस गाय को लाया था और आज हो गया कितना तारीख, आज हो गया 25 तारीख। तो अभी ज़्यादा दिन तक मेरे को लाया नहीं हुआ, 10 दिन तक मैं गाय को इस लाया हूँ और गाय बहुत अच्छी है, धोने में भी बिल्कुल सीधी साधी है दोस्तों। और यही कुछ है दोस्तों ब्लॉग में, और मिल्किंग हुआ तो मिल्किंग में आपको दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। ब्लॉग को वॉच करते रहिए, बाकी सब उधर हम लोग का सब गाय भैंस है और अभी यहाँ पर भंटा वंटा है, ठीक है दोस्तों। चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। सो फाइनली दोस्तों हमारी गाय का जो मिल्क है वो दुहाई हो चुका है, जो कि बाल्टी में है रहे। और इस गाय की जो जानकारी है मैं अपने बाबा से पूछने वाला हूँ कि ये गाय कैसी है, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए उनसे पूछते हैं हम। तो सबसे पहले बाबा जी बताए कि गाय कैसन भी आई? ठीक भैया। दूहे में? ठीक भैया। दूध करे में? ठीक भैया। बढ़िया भैया। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा जैसे औरत वैसे नु खिया सकते हैं संकी ना? हां खिया दे। बढ़िया बा ना? हां। कोनो प्रकार के दिक्कत? दिक्कत नहीं। बचना को देले रहे? दूगो जेऊंगा। सो दोस्तों मैं बता दूं कि ये गाय जो है वो जेऊंगा बच्चा दी थी और यहाँ पर हमारे बाबा जी हैं जो कि काफी गायों को रखते थे पहले, इस बार तो नहीं है, बाकी आने वाले समय में हम लोग रखेंगे। और ये हमारे बाबा जी हैं और ये गाय है हमारी, अब आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिए।
सो फाइनली दोस्तों हमारा वीडियो हुआ कंप्लीट, और आपको ये जानकारी मैं बता दूँ, बोला था कि लास्ट को इंटरेस्टिंग है, हमारे लास्ट में हमारे बाबा जी बता दिए आप लोगों को कि गाय कैसी है क्या है, वही इस गाय को दूहते हैं और हम भी कभी कभी दूहते हैं, बट रेगुलर उस गाय को जो रिकॉर्ड है वो वही बताएंगे, ठीक है। तो उनसे मैं बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।